ठीक है, जो भी विवाद हुई वो तो अलग मैटर है, सबके कहीं ना कहीं गाने होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है, वो जो इसके बाद चाहे इससे पहले भी गाए वो भी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और ब्राह्मण कुल के इंसान है तो मेरे लिए पूजनीय है और उस आदमी का स्वागत है और मैं उस भाई को और भाई के हिसाब से नहीं, मैं एक ब्राह्मण के हिसाब से मैं उनका पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ कि हमेशा आगे बढ़े, मेरी दुआ है। आशीर्वाद देने का हक तो मैं नहीं ले सकता हूँ। भाई है और आशीर्वाद के लायक है क्योंकि ब्राह्मण कुल से है, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे पापा ने भी ब्राह्मणों का पैर छुआ है, चाहे वो 5 बरस का हो या 2 बरस का, और मैं भी हमेशा ब्राह्मणों का चरण छू के ही यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरे पास ब्राह्मण देखिए देखिए इधर बैठे हुए हैं ब्राह्मण, हमेशा जब आता हूँ तो जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाता है तो एक अलग दुनिया होती है। ठीक है, जो भी विवाद हुई वो तो अलग मैटर है, सबके कहीं ना कहीं गाने होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है, वो जो इसके बाद चाहे इससे पहले भी गाए वो भी मेरे बड़े भाई की तरह है और ब्राह्मण कुल के इंसान है तो मेरे लिए पूजनीय है और उस आदमी का स्वागत है और मैं उस भाई को और भाई के हिसाब से नहीं, मैं एक ब्राह्मण के हिसाब से मैं उनका पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ कि हमेशा आगे बढ़े, मेरी दुआ है। आशीर्वाद देने का हक तो मैं नहीं ले सकता हूँ। भाई है और आशीर्वाद के लायक है क्योंकि ब्राह्मण कुल से है, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे पापा ने भी ब्राह्मणों का पैर छुआ है, चाहे वो 5 बरस का हो या 2 बरस का, और मैं भी हमेशा ब्राह्मणों का चरण छू के ही यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरे पास ब्राह्मण देखिए देखिए इधर बैठे हुए हैं ब्राह्मण, हमेशा जब आता हूँ तो जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाता है तो एक अलग दुनिया होती है।